मेवात जिले के बिस्सर अकबरपुर पहुंचे मेडलिस्ट कुश्ती पहलवान। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को कुश्ती में कांस्य पदक दिलाने वाले बजरंग पुनिया ने कहा कि चाहे वो टोक्यो पैरालंपिक गेम्स हो या फिर उससे पहले जो खेले गए थे, सभी खिलाड़ी जी जान लगाकर देश के लिए मेडल लाने का काम करते हैं। इस बार न केवल टोक्यो ओलंपिक में भारत की झोली में 7 पदक आए, बल्कि टोक्यो पैरालंपिक में यह टैली बढ़कर दोहरे अंक तक पहुंच गई। भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है। पदक विजेता बजरंग पुनिया ने कहा है, जब से देश के लिए खिलाड़ी मेडल लाने लगे हैं तब से खेल सुविधाएं बढ़ी हैं, आगे पदकों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उसे निखार कर सही मार्गदर्शन देने की है। उक्त व्यक्त टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने मेवात जिले के बिस्सर अकबरपुर गांव में आयोजित बाबा जहावीर गोगा पीर मेले के अवसर पर कुश्ती दंगल में सम्मान समारोह के उपरांत मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहे, बिस्सर अकबरपुर गांव की सरदारी व एनसीआर रॉयल पंजाब टीम के मालिक धर्मपाल पहलवान कोटा ने बजरंग पुनिया को 2,51,000 रुपये, जितेंद्र त्रिपड़ी को 1,51,000 रुपये तथा नरसिंह यादव को 1,51,000 रुपये और संदीप यादव को 11,000 और मेवात के पहलवान नासिर को 51,000 रुपये के अलावा युवा पहलवान पवन, नितिन, नरेंद्र, विकास, जीतू को 1,100-1,100 रुपये की इनाम राशि दी गई। इसके अलावा देश की झोली में पदक डालने वाले पहलवानों का बिस्सर अकबरपुर गांव में ढोल नगाड़ों की थाप पर भव्य स्वागत किया गया और खिलाड़ियों को पगड़ी बांधी गई। अपने बीच देश को मेडल दिलाने वाले पहलवानों को देखकर दर्शकों ने एक के बाद एक जमकर सेल्फी ली, तो पहलवानों ने भी भीड़ को निराश नहीं किया। आप देख रहे हैं नुह मिवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। दो मेडल आए हैं हमारे, 2012 में आए थे, 16 में एक मेडल आया था साक्षी मलिक का, और कुश्ती 4 ओलंपिक में लगातार मेडल दे रही है, और आज कुश्ती के दंगल में आए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पुरानी यादें दोबारा ताज़ा होगी, क्योंकि दंगल हम भी खेलते थे तो काफ़ी टाइम बाद आए हैं दंगल में, तो वो चीज़ें देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हरियाणा में और हिंदुस्तान में खिलाड़ियों में पूरा दम है, लेकिन एक बात उठती है कि वो सुविधाएं नहीं मिलती, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलती है। नहीं, पहले से काफ़ी सुविधाएं बढ़ी हैं और उसके साथ और कोशिशें जारी हैं, क्योंकि बहुत सारे टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए भी ग्रास रूट पर भी काम हो रहे हैं। पहले से जब हमने रेसलिंग शुरू करी उसके बाद में अब बहुत फर्क है, तो आने वाले 5-10 साल में और ज़्यादा सुविधाएँ होंगी और हम मेडल टैली में भी ऊपर बढ़ रहे हैं, तो कोशिश यही है कि और ज़्यादा से ज़्यादा 24 में हम ज़्यादा मेडल जीते हैं। देखिए वो भी तो देश के लिए खेल रहे हैं, तो ये जरूरी है कि भाई वो आगे नहीं कर रहे, वो भी देश के लिए मेडल जीत रहे हैं, और सभी को बधाई देता हूँ आपके माध्यम से। सभी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और कोशिश यही रहेगी आगे, अभी और दिन बचे हैं उनमें भी हम बहुत सारे मेडल जीते और आने वाले 24 में 28 में देश के लिए बहुत सारे मेडल ओलंपिक में जीते। देखिए सभी को यही है, क्योंकि हम भी दंगल खेलते थे, सभी को यही संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, अपने माता पिता अपने गुरुओं का सम्मान करें। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी मेवात जिले के बिस्सर अकबरपुर गांव में सरदारी की तरफ से भव्य मेले व दंगल का आयोजन किया गया। इसके अलावा भारत को मेडल दिलाने वाले नरसिंह यादव ने कहा कि जब देश के लोग सिर आंखों पर बैठा कर सम्मान करते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा है। इसके अलावा पैरालंपिक खिलाड़ियों ने भी अपने जौहर दिखाकर इतिहास रचा है। संदीप यादव पहलवान ने कहा है कि भारतवर्ष में वैसे तो कुश्ती खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन दूसरे देशों में खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाएं यहां से कई गुना बेहतर हैं। अगर खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण व सुविधाएं दी जाएं, तो देश में मेडलों की संख्या में तेजी से इजाफा हो सकता है। आप देख रहे हैं नुह मिवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। कर रहे हैं
क्या कहेंगे? बिल्कुल पूरे देश के देशवासियों की उनकी दुआ है और काफी मेडल जीता है पैरा ओलंपिक्स ने, तो अभी देश में खेल का महत्व बहुत बड़ा है और काफी टैलेंट बाहर निकल गया है। इसी समय इसी जिस तरह सरकार सुविधाएं दे रही है, आगे आने वाले समय में काफी और मेडल्स अपने ओलंपिक में आएंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे देश का विकास हो रहा है, खेलों का विकास हो रहा है, उसी तरह महिलाएं भी खेलों में आगे आ रही हैं। जैसे कि हर ओलंपिक्स में आप देखेंगे कि महिलाएं पदक जीत चुकी हैं, तो महिलाएं भी स्पोर्ट्स में बहुत आगे आ रही है, बहुत अच्छी बात है और आने वाले समय महिलाएं और आगे अच्छा करेंगी। ग्रामीण लेवल पर जब इस तरह सम्मान मिलता है तो कैसा महसूस होता है? बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक दंगल जो है कुश्ती की शुरुआत है, जब बच्चा स्टार्ट करता है तो दंगल से स्टार्ट करता है, तो एक जो बेसिक होता है, हम भी दंगल लड़के यहाँ तक पहुँचे तो एक लोगों को सीख मिलती है और ये दंगल बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, कुश्ती के लिए बहुत अच्छा है। इससे क्या है कि कुश्ती हमारी आगे बढ़ती है, बच्चों फैमिली से बच्चों की शुरुआत करवाती है, तो काफ़ी अच्छा है दंगल वगैरह आयोजन होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह पदक बढ़ रहे हैं उस तरह भारत सरकार की सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, आप काफ़ी पहले से काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी खिलाड़ियों को मिल रही है, इसी बदौलत हमारे भारत के पदक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं।